press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो फ्रेंड्स वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप थोड़ा नीचे चले जाएँ। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड एपीके का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको टाइमर एक देखने को मिल जाएगा। टोटल आपने 4 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एपीके फाइल मोड लिखा हुआ है, तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर एक आपको ओके और कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ 13 MB की फाइल है ये, तो आपने सिंपल इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर दोस्तों काफ़ी अच्छा रिकॉर्डर है एंड्रॉयड के लिए, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद आपसे परमिशन मांग रहे हैं, तो आपने इसको यहाँ से अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर दिख रहा होगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करके इसकी परमिशन को यहाँ से अलाउ कर देना है और बैक कर देना है। जैसे ही आप करते हैं तो आपका जो ऐप था वो जो है रन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिकॉर्ड वीडियो एंड सेटिंग्स, रिकॉर्डिंग टूल बॉक्स और लाइव स्ट्रीम। आप यहाँ से लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको ओके कर लेता हूँ, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये मोड जो है आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक और परमिशन मांग रहे, तो चलिए जल्दी से इसको भी टर्न एंड ऑन कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये 2 परमिशन देने के बाद आप यहाँ सिंपल इसके सेटिंग पर आ जाएं। सेटिंग पर जाने के बाद आपने जो रेजोल्यूशन यहाँ पर सेट करनी है आप वो यहाँ पर कर सकते हैं अपने मोबाइल के हिसाब से। मैं 1080p पर शूट करता हूँ 2K में, तो मुझे वही चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर बिट रेट ऑटो ही रहने दें। उसके बाद फ्रेम रेट आप 30 FPS करें, तो अगर आप 60 करना चाहें तो 60 भी कर सकते हैं, बट मैं 30 पे ही करता हूं। यहां पर आप वीडियो को लैंडस्केप बनाना चाहते हैं या पोर्ट्रेट आपसे वो पूछ रहा है, तो आप यहां पर इसको सेट कर दीजिए। उसके बाद टाइम लैप्स आप वीडियो कितने मिनट की बनाना चाहते हैं, वीडियो की स्पीड क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं आप वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो की परमिशन मांग रहे हैं, वो भी हमने दे दी। उसके बाद आप सिर्फ माइक्रोफोन करना चाहते हैं या मोबाइल की इंटरनल वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप किस फोल्डर में इसको स्टोरेज करना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। ये जो बेसिक सेटिंग्स हैं जो आप जिस तरह से आपको पसंद हो आप उसी तरह सेट कर लीजिए। उसके बाद ये कुछ टूल बॉक्स हैं जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैमरा आप देना चाहें तो दे सकते हैं, शॉर्ट टचेज, और यहाँ पर आप अपने जो लोगो है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर का वो भी दे सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का भी बनाकर इसमें दे सकते हैं। तो बस यही कुछ बेसिक सेटिंग थी। ये सारा सेट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आप इस कैमरे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट ना हो। पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फिर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं और नहीं कर सकता, पर आप जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बस दोस्तों इतना ही काम था, बहुत सिंपल है। अगर आपको इस वीडियो को देखने में या इसको डाउनलोड करने में कोई भी मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन वहीं पर बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।